फ्रायडे, फॅन्टम किंवा शूटआउट ॲट वडाळा यासारखी चित्रपटं आपण बघितली आहेत, परंतु ही चित्रपटं ज्या कथानकांवर आधारित आहे, ज्याचं मूळ लेखन जे आहे हे वास्तववादी लेखन केलं आहे एक दिग्गज पत्रकार, खरं तर त्यांनी शोधपत्रकारिता खूप चांगल्या अर्थानं केलेली आहे ते, आणि कादंबरीकार म्हणून ओळख असलेले आपल्यासोबत आहेत एस हुसेन जैदी साहेब. मी त्यांना विनंती करतो कृपया मंचावर यावा. त्यासोबतच अभिजित कुलकर्णी दैनिक दिव्य मराठीचे डेप्युटी एडिटर आहेत नाशिकचे, ते सुद्धा त्यांच्याशी आज संवाद साधणार आहेत. ब्लॅक फ्रायडे डोंगरी टू मुंबई, माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई, बायकळा टू बँकॉक, माय नेम इज अबू सालेम, मुंबई अव्हेंजर्स, ही नावं थोडी वेगळ्या धाटणीची आहेत यासाठी कारण या सगळ्या नावांचा संबंध कुठं ना कुठं मुंबईतल्या माफिया राजशी आहे, अर्थात त्या अंडरवर्ल्ड जगताशी आहे. आणि हे जगत आपल्या समोर ज्यांनी आपल्या लेखणीतून आणलं ते एस हुसेन जैदी आज आपल्यासोबत आहेत या सत्रात. मी थोडीशी ओळख पूर्वीच करून देतो. एस हुसेन जैदी यांनी काही दशके मुंबईतील माफिया विश्वाचा अगदी बारकाईनं असा अभ्यास केला. त्यांच्या ब्लॅक फ्रायडे नावाच्या पुस्तकावरून, जे हिंदी बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक आहेत अनुराग कश्यप यांनी ब्लॅक फ्रायडे नावानं एक चित्रपट काढला होता. त्यानंतर डोंगरी टू दुबई हे पुस्तक मुंबईतील अंडरवर्ल्डचं विदारक आणि अत्यंत सूक्ष्म असं स्वरूप सांगणारं निरीक्षण मांडणारं पुस्तक ठरलं. त्यावर संजय गुप्ता या दिग्दर्शकांनी शूटआउट ॲट वडाळा हा चित्रपट काढला. 26/11 जो मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता त्यावर HBOची एक डॉक्युमेंटरी होती टेरर इन मुंबई, या लघुपटाची निर्मिती जैदी सरांनी केलेली आहे. सोबतच मुंबई अव्हेंजर या पुस्तकावरून 2015 एक चित्रपट आला होता जो दिग्दर्शित केला आहे हिंदीतील बॉलिवूडमधील एक दिग्दर्शक कबीर खान यांनी, ज्याचं नाव होतं फॅन्टम. ही चित्रपटं आपण नक्कीच पाहिलेली असणार. खरं तर एका गोष्टीसाठी आम्हा सगळ्यांना नवल वाटतं कारण यांची पुस्तकं जर आपण वाचली तर ती पुस्तकं कोणत्या अँगलनं वाटत नाहीत, एखादा चित्रपट आपण डोळ्यासमोरून बघतोय काय असं सुंदर असं लेखन ते करतात. आणि संपूर्ण अंडरवर्ल्डचं विश्व त्यांनी यामधनं चितारलेलं आहे असे हुसेन जैदी आपल्यासोबत आहेत. आणि त्यांचे आगामी 2 आत्ता काही वेळेपूर्वी त्यांनी मला सांगितलेत, त्यामध्ये ते काही पुस्तकं घेऊन येत आहेत आणि ते पण अर्थात त्याच विषयाशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये एक आहे की खऱ्या अर्थानं दाऊद आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे तो काही चित्रपटांमधनं, परंतु वास्तवात दाऊद कसा घडला, त्याला घडवणारा कोण होता, यामागचं वास्तव आपल्यापैकी बहुतांश लोकांना माहिती नाही, किंवा आपण जे ऐकलेलं असेल ते कदाचित अर्धसत्यसुद्धा असू शकतं. मात्र वास्तवात दाऊद कसा घडला, त्याला घडवणारा कोण होता, यावर आधारित एक पुस्तक जानेवारी महिन्यात येतोय. त्याचं नाव आहे दाऊद्स मेंटोर नावाने. हा पुस्तक जानेवारीत येणार आहे आपल्यासमोर. एवढं मोठं लेखन आहे आणि खऱ्या अर्थानं इथे असलेले जे सगळे रसिक आहेत ते त्यांना याच विषयावर ऐकण्यासाठी इथे उत्सुक आहेत, त्यामुळे आपल्या जोरदार टाळ्यांनी मी पुन्हा एकदा एस हुसेन जैदी यांचं स्वागत इथे करतो. आणि मी रुपेश कलंत्री सरांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागत करावं एस हुसेन जैदी यांचं. त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत दिव्य मराठीच्या नाशिक आवृत्तीचे डेप्युटी एडिटर अभिजित कुलकर्णी. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी संजीव पिंपरकर सरांना मंचावर आमंत्रित करतो. डोंगरी ते दुबई हा प्रवास केवळ एका व्यक्तीचा नव्हे तर त्यामागे खूप मोठं असं वास्तव दडलेलं आहे. संपूर्ण देश त्यामुळं बिघडला काय बिघडला वगैरे असं म्हणू शकतो आपण, आणि त्याचं खऱ्या अर्थानं वास्तव मांडलंय जैदी सरांनी. तर या पुढचं संपूर्ण सूत्र इथे बसलेल्या 2 देतो. धन्यवाद. धन्यवाद. आजचा जो विषय आहे तोच रोमांचित करणारा आहे खरोखर.
की आपण मराठी साहित्यातले पण अनेक प्रवाह आहेत. जसं काही आपण म्हणतो की विनोदी साहित्य मराठीत खूप सशक्त आहे, ललित तर आपलं चांगलं आहेच, नाट्य आहे, सगळं आहे. पण आजचा जो विषय आहे तो अंडरवर्ल्ड आणि माफिया राज, की या विषयावर मराठीत फारसं कोणी लिहिलेलंच नाहीये. जे जयदी साहेबांनी केलंय ते काम तर म्हणजे फारच वरच्या कोटीतलं, उच्च कोटीतलं आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे की अंडरवर्ल्ड जे लोकांना बाहेरून दिसत असतं फक्त, किंवा आपण पेपरमध्ये किंवा मीडियामध्ये बातम्या वाचत असतो, तर त्यातलंही अनेकदा वरवरचं असतं किंवा अर्ध सत्य असतं. तर या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा जर का आता परिचय करून दिला, त्याच्यामुळे त्यांचा फारसा परिचय परत जात नाही. पण त्यांचं रिसर्च वर्क जे आहे त्यांच्या प्रत्येक पुस्तकाचं, म्हणजे त्यांना पत्रकारितेची जवळपास 25 वर्षाहून अधिक पार्श्वभूमी आहेच, पण ते करताना पत्रकारिता त्या दिवशीचं रिपोर्टिंग झालं की संपलं एवढं न ठेवता त्यांनी हा विषय आपल्या अंगात मुरवून घेऊन 8-8 वर्ष एकेका पुस्तकाचं त्यांनी संशोधन केलंय, रिसर्च केलंय, आणि त्याच्यानंतर डोंगरी ते दुबई सारखं पुस्तक घडलंय. तर आपण या सेशनचं आपलं नाव जरी डोंगरी ते दुबई असलं तरी आपण हा विषय तेवढ्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या एकंदरीतच सगळं त्यांनी जो काही साहित्य निर्मिती केली आहे आणि अंडरवर्ल्ड मुंबईचं जे आहे आणि माफिया राज जे आहे, तर त्याच्यावर त्यांचं आपण मतं ऐकू. एक दुसरी एक चांगली सगळ्यांसाठी आपल्या गोष्ट अशी आहे की ते मराठी पण चांगल्या प्रकारे बोलू शकतात. आता आम्ही डिस्कस करत होतो तर त्याच्यामुळे मराठी आणि हिंदी असा आपण जसं त्यांना कम्फर्टेबल वाटेल तसा संवाद साधू. तर पहिला प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे तो त्याच बाबतीतला आहे अर्धात, ऑब्व्हियसली, की डोंगरी ते दुबई याच्यातला जो आपण नायक म्हणू किंवा अँटी हिरो म्हणू, दाऊद आहे. आणि सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे की दाऊद, जो दाऊद आपल्या पोलिसला सापडत नाही, सीबीआयला सापडत नाही, इंटरपोलला सापडत नाही, तो तुम्हाला कसा सापडला? आणि तुम्ही त्याचा इंटरव्ह्यू केला आहे आणि ती खूप मोठी गोष्ट होती की दाऊदचा इंटरव्ह्यू एखाद्या माध्यमात छापून येणं, जो एवढ्या सगळ्या जगाला गुंगारा देतोय, जो सब पुरे वर्ल्ड को चुना लगा रहा है, उसको आपने कैसे ढूंढा? एक्चुअली कमाल की बात यह कि आई डोंट थिंक वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मुझे ये नहीं लगता कि दाऊद का इंटरव्यू इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों कहा जाता है. माझ्या मताने हे काय अचीवमेंट नहीं है, हे काय माझा एक रूटीन इंटरव्यू होता. आपको पता है मैंने अरुण गवली का इंटरव्यू इसी शहर में और हरसुल जेल में आके किया था मैंने 20 साल पहले. सो आफ्टर अरुण गवली, छोटा राजन और अबू सालेम, छोटा शकील, हे सगळे लोकांना इंटरव्ह्यू केल्यानंतर मला असं वाटत होतं की दाऊदचा इंटरव्ह्यू का नाही केलाय. तर दाऊदचा इंटरव्ह्यू पण करावा लागेल, कारण हे पण एक माणूस, एक व्यक्ती आहे, काय तो स्पेशल नाही आहे, तो विलन असेल, तो मोठा हार्श विलन आहे मुंबई ब्लास्टचा आरोपी, आणि पण त्यांचा इंटरव्ह्यू मला काय नाही भेटत. तर माझा एक मेन सोर्स होता, त्यांच्याशी मी सांगितलं की मला दाऊदचा इंटरव्ह्यू करायचं आहे. तर तो घाबरला, तुम्हाला सांगितलं हे बा, हे इंटरव्ह्यू नंतर तुमचा फोनची टॅपिंग होणार, पोलीस तुमच्यावर नजर ठेवणार, तुमचं जीवन जे आहे ते खूप कठीण होणार आहे. तुम्ही त्यांना सांगितलं असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि तो मला सांगितलं एक माझी एक कंडिशन आहे, तो माझा मेन सोर्स होता क्राईम रिपोर्टिंगमध्ये, पण तुम्हाला सांगितलं की या इंटरव्ह्यू नंतर आम्ही दोघे कधीही भेटणार नाही, बोलणार नाही एक दुसऱ्याशी. तर हे माझ्यासाठी एक मोठं बलिदान होता, एक खूप मोठी कुर्बानी होती माझ्यासाठी. पण मला असं ओके ठीक आहे, दाऊदचा इंटरव्ह्यू मला करायचे. तर दाऊदचा इंटरव्ह्यू हे माणूसने मला सेट करून दिला. तर त्या 1998 मध्ये मोबाईल नव्हते, माझ्याकडे पेजर होता. तर आय गॉट अ मेसेज ऑन माय पेजर की यू कॅन कॉल ऑन दिस नंबर, याने एक मुंबईचा लोकल नंबर दिला मला ते पेजरवर, आणि मी त्या नंबरवर जाऊन फोन केला आणि ते मुंबईचा पीसीओला ते कराचीमध्ये कनेक्ट करून दिलं आणि मी दाऊदचा इंटरव्ह्यू झाला. ग्रेट थिंग. तुम्हाला असं वाटत असलं की दाऊदचा इंटरव्ह्यू काय ग्रेट अचीवमेंट नाही, तरी मी पण आता 22 वर्ष पत्रकारिता करतोय, मला माहिती आहे किती मोठी अचीवमेंट आहे त्या एका वेगळ्या अर्थाने. आणि पण ज्यावेळेस तुम्हाला हे पेजर आला किंवा तुमचा आता दाऊदचा इंटरव्ह्यू आपल्याला घ्यायचा आहे असं ज्यावेळेस झालं, तर त्यावेळेस तुमची फिलिंग्स काय होते? किंवा तुम्ही एक स्टोरी म्हणून निव्वळ त्याच्याकडे बघत होतात की तुम्हाला त्याच्या एकंदरीत त्याचं सगळं जे कॅरेक्टर, जर्नलिस्ट ना हे लोक वाचतं की एक जे दुसरी लोकांनी नाही केलं असेल एक एक्सक्लुसिव्ह स्टोरी लोकांचा आधी तुम्ही करायचा आणि एक फ्रंट पेज बायलाईन तुम्ही मिळवावी असं जर्नलिस्ट लोक विचार असतात. दाऊदचा इंटरव्ह्यू त्या दिवशी कोणीच केला नव्हतं, 93 ब्लास्टच्या नंतर फक्त शिरा भटची बोलला तर कोणी त्यांना बोललं नाही. तर त्यावेळी दाऊदला बोलायला मला फक्त पेज 1 स्टोरी पाहिजे होती, असं दाऊदची भीती की दाऊद खूप मोठा अपराधी आहे असं काही नाही होतं, मला फक्त पेज 1 स्टोरी हवी होती. सर ज्यावेळी त्यांचं बोललो तर एक खूप इंटरेस्टिंग प्रसंग झाला होता, तो माझ्याशी उर्दूमध्ये बोलू लागला. नाही उर्दू माझी मातृभाषा आहे, माझी आई लखनौमध्ये, माझे वडील दोघेही लखनौमधनं आहेत. तर जब मुझसे उर्दू में बात करने लगा तो आई फेल्ट थोड़ा सा एंग्री कि हाउ कैन समवन
स्पीक टू मी इन दिस गुड उर्दू, इतनी अच्छी उर्दू में उसे कैसे बात कर सकता है, और मुझे पता नहीं दाऊद है सो मैंने दाऊदी था, हाँ दाऊदी था, तब मैंने उससे अच्छी उर्दू में उसको जब जवाब दिया तो वो थोड़ा सा बिचक गया, वो उसको जवाब नहीं दे सका, लेकिन देन वी काइंड ऑफ हमारी दोस्ती हो गई, वी स्टार्ट टॉकिंग, सो पाऊन तास आम्ही एक दुसऱ्यांशी बोललो. त्यानंतर मला असं वाटलं की असं ना होणार की मला उद्या फोन करून सांगणार की न्यूज पेपरला की मी त्यांच्याशी बोलले नाही, तर मी त्यांना एक रिक्वेस्ट केली की तुम्ही मला फॅक्स करा जे काय आम्ही लोक बोललं आहेत, तुम्ही त्यांचं उत्तर, तुम्ही ते उत्तर फॅक्स करा आणि मी पेपरमध्ये असंच प्रिंट करणार आहे. ग्रेट. पण त्यांच्याकडनं रिस्पॉन्स कसा होता, फॅक्स लेखी द्यायचं म्हणल्यावर? हा नाही, दोनदा ते मला थ्रेट दिली. एकदा मी त्यांना विचारलं की तुम्ही ड्रग्सचा व्यापार का करतोय, तो त्यांना खूप राग आला. हे सर हे पहा जयदी साहेब, मी कारण तुमचा आदर करतोय, मी तुम्हाला काही बोलत नाही, पण माझ्या मला असा कोणी प्रश्न विचारू नाही शकत मी ड्रग्सचा व्यापार का करतो, मी ड्रग मध्ये नाही आहे. दॅट वॉज वन थ्रेट. अँड एक दुसरा थ्रेट पण दिली होते त्यांना मला की जे काही तुम्हाला बोललो आहेत तुम्ही यांचा जास्त कमी नको लिहा, नाहीतर मुंबईमध्ये खूप ऍक्सिडेंट घडतात. म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे. तर मला असं इमॅजिनेशन झालं, एक मोठा ट्रक येतोय, मी रोडवर उभा आहे, आणि म्हणजे दिस इज व्हेरी करेजियस की दाऊद सारख्या माणसाशी बोलताना, आणि नॉट ओनली दाऊद, अरुण गवळी आहेत, नाईक आहे, सगळ्यांशी जे आपण एरवी ज्यांना बडे बडे भाई म्हणतो किंवा ज्यांचं नाव काढलं तरी लोक चळाचळा कापतात, अशा लोकांचे इंटरव्ह्यू घेऊन किंवा अशा लोकांच्या विरोधात थेट करून, तर हा प्रश्न तुम्हाला आतापर्यंत 100 वेळा तरी विचारला गेला असेल, पण तो विचारायचा मोह मला आवडता येत नाहीये की तुम्हाला भीती वाटत नाही का या सगळ्या लोकांशी? ऍज अ जर्नलिस्ट म्हणून आपण त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करतो, पण त्याचे जे काही नंतरचे परिणाम असतात किंवा कमी जास्त असतात किंवा पोलिसांचा ससेमीरा मागे लागणं असतं, तर या सगळ्या गोष्टी कशा टॅकल करतात? महाभारत मध्ये जेव्हा कर्णाला कोणी विचारले की तुला अर्जुनची भीती नाही वाटत काय, तर कर्णा सांगितलं, कर्णाचं उत्तर होता की वे योद्धा काठ के होते हैं जो भयभीत नहीं होते. सो म्हणजे की मनुष्याला असं भीती वाटायचं खूप नॅचरल आहे, तर मला पण खूप भीती वाटतंय या गँगस्टरसोबत जेव्हा बोलतोय मी. जेव्हा अरुण गवळी मला दगडी चालवून भेटला या इंटरव्ह्यू नंतर, त्याने सांगितलं तुम्ही माझी वाट लावली, कारण ते सगळे ऑफिसर निलंबित झाले, ते लोक माझं लाईफ खूप तिकडे डिफिकल्ट झाली. तर जरा थोडा एलोबरेट करा ना किस्सा, म्हणजे लोकांना कळेल नेमकं गवळीचं पार्श्वभूमी काय होतं असं म्हणायचं. हा नाही, कारण काय होतं की मी त्यांना अरुण गवळी माझे एक एडिटर होते साई सुरेश शिवस्वामी, हे खूप मला चॅलेंज करत असेल, हर जेव्हा एक स्टोरी असेल तेव्हा चॅलेंज कर, तू नाही कर सकता, तेसे होगा नाही, ऑलवेज म्हणजे निगेटिव्ह बोलायचं, त्यांना मला एनकरेज नाही देणार की हा नाही कर कर, तेसे होगा नाही, तुझसे नाही होणार. तो देन ही त्याने मला चॅलेंज केलं की तुझसे अरुण गवळी का इंटरव्ह्यू नाही होगा, वो जेल में. सो इट वॉज अ चॅलेंज टू मी, सो आय डिसाइड की मैं अरुण गवळी का इंटरव्ह्यू करूंगा, बट वो हर्सुल जेल में औरंगाबाद में. सो मी दगडी चालमध्ये जाऊन त्यांना एक त्यांचा एक होता खूप खास माणूस होता संतोष म्हणून, तो त्यांनी माझी एक सेटिंग करून दिली इकडे हर्सुल जेलमध्ये. नाही जेव्हा मी जेलमध्ये एंटर झाला तिकडे काही कोई एंट्री कोई रजिस्टर में कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे अंदर ऐसे ही जाने दिया, सीनियर कोई सुपरिटेंडेंट था वो मुझे अंदर तक ले गया. सो जेव्हा मी त्यांची वाट पाहत बसत होतो एक रूम मध्ये, तेव्हा एक माणूस आला, ना ॲट दॅट टाइम मुझे अरुण गवळी की पहचान नहीं थी, मुझे नहीं पता कैसे दिखता है वो. एक माणूस आला तो एक गांधी सारखे सफेद एकदम सफेद का कुर्ता आणि कुर्ता पैजामा आणि टोपी घालत आणि मला नमस्कार केला. मला वाटलं हे कोई पॉलिटिशियन असेल, पण तो सांगितलं मी अरुण गवळी डॅडी. मला खूप शॉक वाटला की अरुण गवळी डॅडी कसं, पण माझ्याशी बोलून तो बसला आणि ते सुपरिटेंडेंट तिकडे उभा होता एक लांब टोपी हात मध्ये घेऊन, हा डॅडी हा डॅडी हा डॅडी. सो मला खूप आश्चर्य झाला की हे पोलीस ऑफिसर वर्दीमध्ये होऊन तरी हे गँगस्टरला डॅडी म्हणून संबोधित करतोय, हा डॅडी बोला डॅडी हा डॅडी. सो एक तासानंतर तो ऑफिसर सांगत सदा डॅडी एक तास झाला, ए गब्बास बोलतोय मी बघत नाही काय. तो मेरे लिए सारा शॉकिंग था कि एक गैंगस्टर जो है पुलिस वालों को डांट रहा है, गब्बस बोल रहा है. हम बचपन से गब्बस जो है डांटना वो भी जेल में, जेल के अंदर वो भी. सो आफ्टर दिस इंटरव्यू ये एक्सप्रेस में उन्होंने पूरा फ्रंट पेज फ्लायर किया, बोला था ना जेल में है, हाँ, है. उसमें लिखा मैंने क्या रसूल जेल में जाके गवळी से मिला. सो गवळी जब नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो उन्होंने ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरीज थी वो ऑफिसर के खिलाफ, तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर दी, करप्शन बराबरी खूब हो गया. गवळी खुद को अंडा सेल में डाल दिया, तो मुझसे बहुत नाराज हो गया कि मैं अच्छे से राजा जैसा रह रहा था, तेरे इंटरव्यू के बाद यहाँ तकलीफ हो गई. सो जब ये लोग जो सरकार या पुलिस नहीं कर सकी वो आपने कर दिखाया, आपकी वजह से अंडा जेल में चला गया, सेल में चला गया.
मुझे पता, शायद उन्होंने अंडा सेल में रखने का हुक्म दिया होगा, बट वो आराम से रह रहा था बादशाह की तरह से। सो जब ये लोग धमकी देते हैं तो मुझे डर लगता है एक मिनट के लिए कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट नॉट फॉर माई सेल्फ, आई एम अ मैरिड मैन, मेरी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुझे लगा इनको तकलीफ ना पहुंचाना चाहिए, मुझे अपने लिए तो पता है कि कुछ नहीं कर सकते ये लोग। म्हणजे खूप प्रामाणिकपणे उत्तरलं त्यांनी की मलाही भीती वाटते तुमच्यासारखी सगळ्यांसारखी। आणि दुसरं त्यांनी आता फॅमिलीचा उल्लेख केला तर त्यांच्या पत्नी सुद्धा जर्नलिस्ट आहेत आणि या अरुण गवळीच्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांचा सुद्धा खूप मोठा रोल होता। ते माझ्यासोबत होती, हर्षुल जेल मध्ये बाहेर उभे होती, इकडे बसलेली खाली मागच्या सीटवर साठी एकदा ते मी मला क्राईम रिपोर्टर बनण्याचा श्रेय मी माझा वाईफ वेली थेवरला देतोय, कारण मी एक बिझनेस जर्नलिस्ट होतो, मी एक्झिबिशन वर्ल्ड मध्ये असिस्टंट एडिटर म्हणून कार्यरत होतो, तर माझी त्यांची भेट झाली, आम्ही दोघांचा प्रेम झाला, तर यांनी मला विचारलं की तू पण जर्नलिझम काय नाही करत, मेन स्ट्रीम जर्नलिझम, तर मी सांगितलं मला येत नाही, तो सर काय डिप्लोमा काय गरज नाही, तू ये मी तुला ट्रेनिंग देतोय, तर त्यांनी मला ट्रेनिंग देऊन मला क्राईम रिपोर्टर बनवले आहेत माझी वाईफ माझी। तर जेव्हाही मला काही डिफिकल्ट असाइनमेंट असेल, जेव्हा मला असं वाटेल की नाही होणार, नाहीतर मला एक कंपनी पाहिजे, कसं करणार मी, तर माझी वाईफ माझ्यासोबत येऊन ते स्टोरी करणार। तर ते माझ्यासोबत हर्सुल जेलमध्ये आली होती 22 वर्षपूर्वी, आणि 22 वर्षानंतर आप लोगों से मिलने के लिए फिर से आई है। ग्रेट। तुमच्यावर सगळी पुस्तकं किंवा तुमची हे सगळं वाचल्यानंतर इंटरव्ह्यूज वगैरे, एक असा आक्षेप घेतला जातो बऱ्याचदा की हे जे सगळे गँगस्टर्स आहेत त्यातले बरेचसे काही म्हणू, तुम्ही लिहिताना अगदी थेट लिहिता, तर त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी क्लिअर पण होतात ज्या पडद्यामागे असतात, म्हणजे आपण त्यांच्याकडे फक्त आणि फक्त विलन म्हणून बघत असतो, पण ते कशा परिस्थितीने घडले किंवा ते कसे मजबुरीने आले, तर हे सगळं बघितल्यानंतर लोकांच्या मनात कुठेतरी वाचकांच्या किंवा पिक्चर तुमच्या स्टोरींवर निघालेत तर सिम्पथी निर्माण होते किंवा तुम्ही ग्लोरीफाय करता थोडं त्यांच्या कॅरेक्टर्सला, असा एक आक्षेप आहे, तर तुमचं त्याच्यावर काय एक्सप्लेनेशन? थँक्यू व्हेरी मच, आपने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली गैंगस्टर्स के बारे में मैंने कुछ सिंपैथेटिक कभी लिखा नहीं है, और ये जो उन्होंने एक मजबूरी का शब्द यूज़ किया है, गैंगस्टर बनना साड़ी काहेज मजबूरी ना हो, क्राइम मध्य अगर ऐसा ही तो फिर हर कोई जिसको तकलीफ है, गरीबी है, वो गैंगस्टर बन जाएगा अगर मजबूरी से बनते हैं तो। सो अपनी बुक्स में जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, तो मैंने उनकी बैकग्राउंड में लाइफ लिख दी मैंने। अब आपको बताता हूँ ये होता क्या है, जो ये कह रहे हैं सिंपैथी निर्माण जो होती है वो नहीं होती है। अभी शूट आउट बनाना बना है, मानिया सुर्वे का रोल जॉन अब्राहम को करना है, जॉन अब्राहम एक हीरो है, संजय गुप्ता को जॉन अब्राहम को खराब नहीं दिखाना है, उसको उसकी ईगो मसाज करना है, जॉन अब्राहम हैज टू लुक गुड, ही हैज टू हैव अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर। अब इस चीज के लिए उसको वो मजबूरी कैसे, उसके बहुत कंडीशंस खराब थी और ही वॉज कंपेल्ड टू बिकम क्रिमिनल, उसको वो सब करके एक हीरो को स्क्रीन पे लाना है। इन रियल सेंस मानिया सुर्वे वॉज नोन टू बी अ चिंदी चोर, ही वॉज अ वेरी बैड गाय, वो बहुत बुरा लोगों को मारता था और शक भी होता था तो लोगों के हाथ पैर तोड़ देता था, उनके पैर काट देता था, ऐसा सब करता था। लेकिन फिल्म में जॉन अब्राहम एक अच्छा आदमी है, एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी है, क्यों? क्योंकि निर्देशक का ऐसा प्लान है कि ये हीरो है, इसको अच्छा लगना चाहिए। नाउ दोज़ हैव रेड डोंगरी दुबैया, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि मैंने उसके बारे में सहानुभूति पूरा कुछ भी नहीं लिखा है, बट वो फिल्म में जब उसको अच्छा दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूं। अदरवाइज आप ये बताइए कि किसी बुक में, इफ यू लुक एट इट, किसी बुक में किसी भी क्रिमिनल को आप एक तारीफ का शब्द बताइए। आई हैव नॉट बीन यूज्ड द वर्ड स्मार्ट, मैंने कभी किसी गैंगस्टर के लिए वर्ड स्मार्ट भी यूज नहीं किया है। अंग्रेजी में भी ऐसे लीले शाहनो मजे कनिंग श्रूड मैनिपुलेटिव, बिकॉज सी आप लिखेंगे तो गाली गलौज तो नहीं करेंगे, लेकिन दीज आर नेगेटिव एडजेक्टिव्स आई हैव यूज्ड। मैंने पॉजिटिवली कभी किसी को स्मार्ट या इस किस्म की चीजें नहीं लिखी मैंने गैंगस्टर के लिए, तो ये सवाल का जवाब मुझे देना बहुत जरूरी था। वो भी है जी। और एक थोड़ा सा एलिगेशन मतलब चर्चा रहती है जी, कि जो गैंगस्टर है या जो विलन है या क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, उसको कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता जी। तो आपने जैसे कि मराठी गैंगस्टर्स, मुस्लिम गैंगस्टर्स, ऐसा क्यों उनको कैरेक्टर? थैंक यू वेरी मच अभिजीत, थैंक यू। सी डोंगरी दुबई की एक अलग स्टोरी है कि जब वो किताब मुझसे लिखने के लिए कहा गया 2005 में, तो वो किताब की रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, 60 इयर्स का इतिहास था गैंगस्टर का। 2012 तक 7 साल हो गए, मेरे पब्लिशर्स दे बिकेम वेरी इम्पेशेंट, उनको लगा कि 7 साल क्यों हो गए और वो किताब ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फाइनली उन्होंने मुझे प्रेशर दे कहा कि भाई अब जो भी आप लिख दो छाप दो।
सो दैट बुक आफ्टर 7 years ऑफ रिसर्च वो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर दी एंड ते बुक प्रकाशित झाली. नाउ आफ्टर दैट बुक केम आउट जो मेरे रीडर्स थे उन्होंने, आपको पता है जर्नलिस्ट लोग जो है कुछ करते तो है नहीं, वो एसी ऑफिस में बैठ करके दुनिया में ऑल नोइंग बन जाते हैं और सब पे कमेंट मारते रहते हैं. उनको कुछ नहीं करना होता, नेता ने ये किया, अभिनेता ने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया. तो इट हैज हैपन टू मी ऑल्सो, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है. सो उन्होंने लिख दिया कि जैदी ने सब के सब मुस्लिम गैंगस्टर्स के बारे में खूब लिख दिया, लेकिन मुंबई के जो महाराष्ट्रीयन गैंगस्टर्स हैं उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा ही नहीं. भाई गैंगस्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो अरुण गवली का लिखा नहीं, छोटा जंग का लिखा नहीं, अश्विन नायक लिखा नहीं. अब मुझे उस वक्त थोड़ी परेशानी ये थी कि आर दे फीलिंग जेलस और उनको कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ कि मतलब मैंने उनको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया इन लोगों को. बट प्रॉब्लम ये थी कि द होल थिंग वाज अबाउट मेरे पब्लिशर कह रहे हैं लिख दो, अब जितना भी छाप दो, आगे रिसर्च मत करो, हम लोग बहुत लेट हो गए. तो मैंने छाप दिया. लेकिन जब ये एलिगेशन आने लगे तो जो मेरी रिसर्च पड़ी हुई थी, जो मेरी पेंडिंग थी, तब मुझे वो रिसर्च करके लिखनी थी. अब हम फिल्मों का ऐसा नहीं कर सकते. बैठा थे बैंकॉक में, फिल्मों में जैसा होता है ना, वंस अगेन मुंबई दोबारा, या वो जैसे फिर से वंस अगेन, ऐसा सीक्वल नहीं कर सकते बुक्स के अंदर. तो हमको अलग नाम देना था, तो इसलिए हमको लिखना पड़ा मुंबई के महाराष्ट्रीयन गैंगस्टर्स. बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी कम्युनलिज्म और कम्युनल डिवाइड, बट ऐसे कि भाई ये हमने करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद के लिखा था और ये हमने नायक, गवली और इनके बारे में लिखा है, ऐसा था. एक जो बात है अंडरवर्ल्ड की, मतलब आपके बुक पढ़ के मैं वो समझा जी, दाऊद आणि छोटा राजन त्यांच्यातली जी दोस्ती होती ती दुश्मनीत बदलायला 93 बॉम्बस्फोट आणि हिंदू मुस्लिम मधली दरी हे एक कारण आहे का, किंवा हे कितपत योग्य कारण आहे? हे छोटा राजनचा फक्त एक पॉलिटिकल स्टंट आहे. कारण अगर उसको बॉम्बे ब्लास्ट में 93 में अलग होना था तो 93 मार्च में अलग हो जाता. वो दाऊद के साथ 94 अप्रैल तक था वो, यानी जब तक उसको दाऊद की तरफ से ये धमकी नहीं आ गई कि उसको शिप से मार के फेंक देंगे, तब तक वो 94 से अलग नहीं हुआ. बल्कि जब बाल ठाकरे ने सामना में उसको देशद्रोही कहना शुरू किया, तब छोटा राजन ने फोन कर करके न्यूज़पेपर ऑफिस को बोलना शुरू किया कि बाल ठाकरे खाली पॉलिटिक्स देखें, यहां ना आए. हमको पता है कि दाऊद कितना बड़ा देशभक्त है, यानी ये छोटा राजन दाऊद को देशभक्त बोल रहा था, न्यूज़पेपर ऑफिस को फोन कर रहा था. लेकिन जब उसको उसकी जान का खतरा हो गया, जब उसने अलग हुआ, तब उसने सोचा क्या करना है. तो किसी को भी जब तक बुरा नहीं करेंगे तब तक सिंपथी मिलेगी नहीं. तो उसने दाऊद को देशद्रोही और अपने को देशभक्त बोलना शुरू किया. इस तरह से कहानी हुई. अदरवाइज हिंदू मुस्लिम की बात होती तो दाऊद के गैंग में तो बहुत से हिंदू भी थे, अनिल परब, सुनील सावंत, शरद शेट्टी और राजन के गैंग बहुत से मुस्लिम भी थे. सो वो तो गलत बात थी. वो एक क्राइम रिपोर्टर म्हणून किंवा जर्नलिस्ट म्हणून एखाद्या गोष्टीकडे बघणं आणि एवढं रिसर्च करून एखादं पुस्तक लिहिणं, तर या दोन्ही म्हणजे चॅलेंजिंग अर्थातच पुस्तक लिहिणं आहे, पण जास्त तुम्हाला भावलेलं काय म्हणजे ऍज अ जर्नलिस्ट म्हणून तुम्ही हे सगळं कव्हर केलं 93 पासून ते आतापर्यंत ते एक आणि तुमची त्या वेगवेगळ्या विषयांवर आली पुस्तकं, तर या दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? See, I enjoy doing journalism more than enjoy writing books. Why? I'm sorry. मतलब मुझे ऐसा है कि जर्नलिज्म लिखने से आप दुनिया चेंज कर लेते हैं. आप दुनिया में अगर एक आदमी को भी आपकी स्टोरी से हेल्प मिल गई, बेनिफिट मिल गई, तो आपने एक बहुत बड़ा काम किया. सो उसमें आप बहुत बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करते हैं, बहुत से लोगों के जो मिसडीड्स हैं उनको आप एक्सपोज करते हैं. लेकिन बुक लिखने में, आप जब बुक लिखते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि किसी आदमी को 200 पेज पूरे पढ़ने चाहिए. वो शुरू के 5 पेज पढ़ के रख देगा तो आपको पर्पस पूरा नहीं है. उस 200 पेज के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन करना होता है, आपको स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, एंड यू हैव टू एंश्योर कि आपकी किताब पेज टर्नर हो. मतलब एक आदमी रात को नींद खराब करके पढ़ता रहे, तो उसके लिए जरा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है आपको. ये एक्सपीरियंस मैंने किया है आपकी बुक पढ़ते हुए, हर एक बुक पढ़ते हुए. So, इसलिए जर्नलिज्म मुझे पसंद है, बिकॉज जर्नलिज्म में आप दुनिया चेंज कर सकते हैं, आप एक दुनिया के अंदर एक परिवर्तन ला सकते हैं. किताब पढ़ने में आप परिवर्तन नहीं ला सकते. बल्कि ऐसा होता है कि मुझे कुछ फोन आए डोंगरी दुबे लिखने के बाद, कोई किसी माँ ने मुझे फोन किया था पब्लिशर से नंबर निकाल के, उसका 14 साल का बच्चा डोंगरी दुबे पढ़ रहा था. मेरे लिए बहुत दुख की बात है, 14 साल का बच्चा डोंगरी दुबे पढ़ के अगर दाऊद से प्रेरित हो गया तो क्या करेगा वो. एग्जैक्टली. नाही म्हणजे ती जी पुस्तकांमधला रिसर्च आहे तो तुम्ही इतका डीप आणि डिटेल केलाय की ते वाचतानाच जाणवतं. कुठली फाईल पळून गेले, त्यांचे पासपोर्ट नंबर काय, त्यांचे व्हिसा हे काय, एवढं डिटेल तुम्ही एकतर तुमचे जे काही सोर्सेस होते ते प्लस रिसर्च,
तर हे करून सगळं करून ते मांडताना किंवा उसका बुक में जब लिखते हो तर ते एवढं थेट लिहिताना तुमच्या कधी असं वाटलं नाही का की याच्या आपल्यावर कधी खुलासा करायला लागेल किंवा आपल्यावर कधी वेगळे विदाउट डॉक्युमेंट डॉक्युमेंट वगैरे आणि काय ते अंटील अनलेस माझ्याकडे ते डॉझियर ते पोलीसचे कंप्लेंट ते फाईल नसती तेव्हा मी ते डिटेल लिहिणार नाही. आणि हे कारण मी जर्नलिस्ट होता माझ्या पार्श्वभूमी जर्नलिझमची आहे आणि तो पण क्राईम जर्नलिझम आहे तर सीबीआय मध्ये क्राईम ब्रांच मध्ये आणि हे मोठे मोठे अधिकारी माझे मित्र आहेत तर त्यांच्याकडनं फाईल आणि पेपर वर्क घेऊनच लिहितोय नाहीतर नाही उसके अलावा मैं लिखता नाही उसके बगैर. तुम्ही एवढं थेट लिहिलं आहे अनेकदा पोलीस अधिकाऱ्यांबद्दल पण लिहिलंय तर पोलीस जी यंत्रणा आहे ती तुमच्या पुस्तकांकडे कसं बघते म्हणजे उनका नजरिया क्या है आपकी बुक्स के देखने का मुंबई पोलीस स्पेशली. मेरे पुलिस वाले मुझसे बहुत नफरत करते हैं मुझे पसंद नहीं करते फिर भी आपको ही सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ही देते हो. हाँ, मैंने बात पूरी नहीं की लेकिन नफरत के बावजूद भी आज तक एक भी पुलिस वाले ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने उनके बारे में गलत लिखा है. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग मुझसे बहुत दुश्मनी रखते हैं वो मुझको अच्छा नहीं लगते वो समझते हैं लेकिन उन्होंने आज तक ना कोर्ट केस में ना कहीं किसी इंटरव्यू में आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने कि मैंने उनके साथ में कोई नाइंसाफी किया गलत की. बिकॉज चार्ज शीट्स हैं एविडेंस हैं जजमेंट्स हैं मैंने अपनी मर्जी से कल्पना करके नहीं लिखा है उनके बारे में एक बात ये. दूसरी बात पुलिस वालों के साथ भी वही रूल है जो अंडरवर्ल्ड के साथ. देखिए आपको अंडरवर्ल्ड से मित्रता नहीं करनी चाहिए. मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए अंडरवर्ल्ड वैसी है जैसे पैथोलॉजिस्ट के लिए यूरिन ब्लड और स्टूल होता है वो सिर्फ टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देगा. मेरे लिए अंडरवर्ल्ड में दाऊद से बहुत इंप्रेस नहीं हूँ मैं अबू सालिम या अरुण गावली से बहुत इंप्रेस नहीं हूँ. उनको देख के बोला अरे वाह क्या हीरो है ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं. मुझे लगता है ये लोग जो है एक अपराधी हैं बुरे लोग हैं. अब ये अलग बात है कि मैं अपनी स्टोरीज जो न्यूज़पेपर में लिखी थी अब मैंने उनको किताबों में लिखना शुरू कर दिया. उनको मित्र मत बनाइए. आज तक किसी अंडरवर्ल्ड की शादी में मैं गया नहीं और मेरे पौरे किसी शादी में उनको मैंने बुलाया नहीं. और यही बात पुलिस वालों के साथ भी है. मैंने किसी पुलिस वाले से इतनी मित्रता कभी नहीं की कि उनका दोस्त बन के उनके साथ खाना पीना करूं या उनको अपने घर बुलाए खाना पीना खिलाऊं. तो जब आप उसे दूर रहते हैं और आप जब प्रोफेशनली काम करते हैं उसको पता है कि सिर्फ प्रोफेशनल काम करेगा हमसे कोई दुश्मनी नहीं है या हमसे दोस्ती नहीं है तो वो आपके साथ फिर गलत व्यवहार नहीं करेगा. बस यही बात है. हाच प्रश्न एंगलनी कि गैंगस्टर्स कसे बघतात तुमच्या या पुस्तकांकडे किंवा उनका नजरिया क्या होता है देखने का या फिर काही काही उदाहरणं झाली पण आहेत मुंबईत आता समजा आपण म्हणू की जेडे सारखं अशा पद्धतीचं त्यांचं काही असतं का. जेडे का ऐसा है कि वो मेरा शिष्य था मैंने उसको ट्रेनिंग दी है क्राइम रिपोर्टिंग की. जेडे शुरू में एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करता था जब वो एक्सप्रेस ज्वाइन की उसने तब वो एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करता था और कवाटीपुरा के रेड लाइट एरिया की रिपोर्टिंग करता था. तो उस समय एक्सप्रेस में अकेला रिपोर्टर था मैं तो जब उसको मैंने ट्रेनिंग दी तो उसको मैंने एक बेसिक फंडामेंटल जो रूल है क्राइम जर्नलिज्म का कि अपने सोर्सेज से ज्यादा करीब मत जाओ. लेकिन ज्योति ने मैं उसको ज्योति कहता था ज्योति ने मेरी वो बात मानी नहीं. वो विनोद चिम्बरू के साथ बार में जाने लगा अपने दोस्तों के साथ और करीब होने लगा. ना ये चीज जो होती है उनको लगता है कि वो उनसे मित्र हो गया. तो एक गैंगस्टर जब लगता है इसका मित्र हो गया तो मतलब कि इज नॉट इम्पार्शियल एनी मोर अब इसको इससे दुश्मनी कर सकते हैं. ज्योति की वहां क्रेडिबिलिटी की सबसे हाँ ये प्रॉब्लम हुई इसके लिए. तो मैंने वो मिस्टेक नहीं की. मतलब आज तक कोई भी गैंगस्टर कभी नहीं बोलेगा कि मैं दाऊद का दोस्त हूँ या मैं अरुण गावली का दोस्त हूँ क्योंकि मैंने सबसे इंटरव्यू किए सबके मैंने बुरा लिखा है सबकी कहानियां लिखी है. सो कोई मुझे किसी का ब्रांड मेरे पर नहीं है. बस यही इश्यू है कि लोग मुझे देख के सोचते हैं कि इम्पार्शियल रहेगा. जर्नलिस्ट मधून पुस्तक आणि पुस्तकांवरून चित्रपट म्हणजे तुमच्या पुस्तकांनी खूपच चित्रपटांना खाद्य पुरवलंय पण तुमच्या पुस्तकांवरच चित्रपटही बनलेत. पहिला जो आहे ब्लॅक फ्रायडे तुमचं पुस्तक त्याच्या वेळेस त्याची निर्मिती प्रक्रिया आणि त्याच्यानंतर सेन्सॉर मध्ये किंवा बाकी ठिकाणी आलेल्या अडचणी किंवा अडथळे आणि ते का आले ते जरा लोकांना सांगितलं तर. ब्लॅक फ्रायडे मधलं जे अडचणी होते हा पिक्चर त्याचा होता ना जो ज्या अडचणी आल्या तो सेन्सॉर मध्ये वगैरे अडकला होता ना बरेच दिवस 7 साल शायद दो साल वो जजमेंट जब तक नहीं आए तब तक प्रॉब्लम थी. सी बेसिकली बॉलीवुड का जो बड़ा प्रॉब्लम है कि त्यांच्याकडे काही कंटेंट नाही आहे त्यांच्याकडे काही स्टोरी नाही आहे स्क्रिप्ट नाही आहे तर हे लोकांना काही रिअल लाईफ मध्ये ते आता हे लोक बायोपिक बनवतात तर उनको लगा की क्राईम की स्टोरीज काफी बिकती है. आपको पता होगा कि सोनी टीवी पे 14 साल से CID करके सीरियल आता है 14 साल से वही आ रहा है. लोगों को क्राइम बहुत पसंद है तो बॉलीवुड को लगता है कि इनकी क्राइम की स्टोरीज बनाना चाहिए. अब ब्लैक फ्रेड जब उसने बनाई तो उसने ये किया कि एक एक जो फैक्ट था उसने वैसे के वैसे ही अपनी मूवी में रखा जो कोर्ट को हाईकोर्ट को अच्छा नहीं लगा.
तो बाद में क्रिमिनल्स ने जब एक पिटीशन दी कि ये तो हमारे खिलाफ ऑलरेडी उसने एक जजमेंट दे दिया है कि हम सब लोग ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, तो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की एंड हाईकोर्ट ने उसको जैम कर दिया 2 साल के लिए। बट जब जजमेंट आया तो उसमें जितने लोगों के बारे में था 100 के 100 अपराधी जो है कन्विक्ट हो गए जो बुक में जैसे थे। तो ये बॉलीवुड आणि माफिया यांचं कनेक्शन म्हणजे लपून राहिलेलं नाही आहे, नेहमीच उघड आहे। बिलकुल। तर 90s दशकात विशेषता जे होतं, 90s में जो था वो और आज की स्थिति में क्या अंतर लगता है आपको, या बढ़ गया है या कम हो गया है, क्या हुआ है? उस जमाने में दाऊद से बात करना लोगों के लिए गर्व की बात थी। मतलब मैं लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फिल्म के कुछ अभिनेता ऐसे थे जो उनसे जब बात करो, जाके मुलाकात करो, तो बोलते हैं भाई से अब भी बात किया मैंने, अब भी भाई का फोन रखा है, या अगर कुछ भी हो तो बोलता है भाई से बात करता हूँ ना मैं, भाई करा देंगे। यानी कुछ ऐसे एक्टर थे ओपनली वो लोग इस बात को कहते थे कि हमारे दाऊद से पहचान है, दाऊद से हमारी दोस्ती है। आज ओपनली नहीं करते हैं। आज अगर दाऊद से मिलना हो तो या तो लंदन में मिलेंगे या यूरोप में जाएंगे, या अगर मुस्लिम्स हैं तो जद्दा में हज करने जाएंगे वहां मिलेंगे, लेकिन ओपनली जो है फोन पे नहीं बात करेंगे और गर्व तरीके से नहीं बोलेंगे हाँ मेरे बात अब भी भाई से बात हुई, अब नहीं बोलेंगे, अब लपुन तरीके से चुप ये करते हैं। नहीं पण गैंगस्टर सब पैसा किंवा हे जे काय आहे बॉलीवुड इंडस्ट्री मध्ये त्याबद्दल विशेषता वो भी तो जैसे कि पहले जो है अगर ऐसा था कि मुकेश दुग्गल उनका आदमी है या जो बड़े बड़े निर्माता जो उनके लोग थे अगर वो उनके आदमी और साफ साफ फंडिंग कर रहे हैं, आज वो फंडिंग थोड़ा राउंड अबाउट तरीके से आती है, मे बी इट कम्स थ्रू सम कॉर्पोरेट हाउस और मे बी इट कम्स थ्रू सम अदर प्रोडक्शन हाउस व्हिच इज बेस्ड इन लंदन। I mean, I know those names, but it's not proper to disclose them now here. So, ये सारे लोगों के through उस channel से पैसे करते हैं, ढके छुपे तरीके से, अब उतना open और blatant नहीं होता। Bollywood, तुमच्या पिक्चर पुस्तकावर खूप पिक्चर पण आले, तुम्ही कसं बघता बॉलिवूड इंडस्ट्री कडे एकंदर? ये लोग ना कहते तो है कि हम सत्य बनाएंगे, रियलिटी बनाएंगे, लेकिन मेरी किसी भी किताब पे ठीक ठाक से कुछ बनाया नहीं अभी तक। मतलब उसको कमर्शलाइज करने के चक्कर में, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में पूरी कहानी को मोड़ तोड़ कर देते हैं। जब मैंने एक बार एक डायरेक्टर से कहा कि भाई आप क्या बना रहे हैं, मतलब ये मेरी किताब के मुताबिक नहीं है, तो वो कहने लगे जैदी साहब आपने किताब लिखी है, हम 50 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, हमारे दर्शक को खुश होना चाहिए, तो आप किताब लिखो हमको फिल्म बनाने दो, तो मैं चुप हो जाता हूँ फिर। तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या गोष्टीतलं अंतर्गत खूप माहिती आहे, तर जे दाऊद जसा भारतातनं पळून गेला, म्हणजे तो पळून जायच्या आधी जस्ट त्याला एक 10-15 मिनिटं एक मंत्रालयातनं कॉल येतो आणि दाऊद भारतातनं गायब होतो, त्याच्यानंतर दाऊदचं किंवा बाकी काही नेत्यांचं प्रत्यार्पण असेल, एक्स्ट्राइट ज्याला आपण त्यांचं ट्रीटी असेल किंवा काय, तर ते काय एवढं अवघड आहे का खरंच की दाऊद असेल किंवा बाकी कोणी लोक असतील तर मंत्रालय लेवलला किंवा याला जर आपण चांगलं केलं तर आणू शकत नाही का त्यांना? नहीं, बट हे लोग दाऊदला आणायचा हे लोकांचा काही इरादा नाही है, ये दाऊद को लाना नहीं चाहते हैं, ये दाऊद को पाकिस्तान में सेफ और रखना चाहते हैं ताकि उनके पास एक विलन हो। अगर दाऊद को लाना चाहते होते तो अबू सालिम को पुर्तगाल से लेके आ गए, मुस्तफा डोसा को दुबई से लेके आ गए, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को लेके आ गए, दाऊद को क्यों नहीं ला रहे हैं? जबकि अगर एक बार वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से कह दें कि पाकिस्तान को भेज दो तो दाऊद आ जाएगा, बट इनका लाने का ऐसा इरादा नहीं है। बोलते दाऊद जब तक हमारा ठीक है, जो अगर वो आ गया तो हमारे बहुत से मंत्री और बहुत से नेता जिनके राज आज तक छुपे हुए हैं सब राह से बाहर आ जाएंगे, इसलिए उसका वहां रहना ही ठीक है। ये भी एक कहा जाता है कि वो भी अभी इंडिया आना चाहता है, उसको पाकिस्तान में थोड़ा आए साए और वो सब, ये नहीं, वो सिर्फ ऐसा कहा गया है, मतलब चलिए बोगी ऐसा कोई उसको नहीं आना, बिकॉज वहां वो राजा का जैसा रह रहा है, वो यहाँ के बंदी बन के जेल में रहेगा, क्यों यहाँ आना चाहेगा वो? ये खाली हम लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं वो लोग। तो इसमें कितना तथ्य है कि दाऊद को एक फोन कॉल गया था और दाऊद इंडिया से भाग गया, या फिर जो एक मिनिस्टर सीनियर लेवल का था? देखिए वो जो जिनके साथ ये हुआ था, जिस पुलिस अधिकारी के साथ, उस पुलिस अधिकारी ने खुद मुझसे कहा था कि हम लोग जब जेजे पहुंचे तो हमको ये पता नहीं था कि दाऊद को जिंदा पकड़ना है या मुर्दा, हमको ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए थे। हमने मंत्रालय फोन किया, जेजे से पाकबोड़िया स्ट्रीट 10 मिनट भी नहीं है, हमने फोन किया कि जिंदा पकड़ना है या मुर्दा, तो वो नेता ने हमसे कहा कि दाऊद को जिंदा ही पकड़ना, मुर्दा नहीं पकड़ना, ये हमारा इंस्ट्रक्शन था। इस बात की जानकारी कि मैं दाऊद को पकड़ने जा रहा हूं, ये बात सिर्फ मुझे पता थी और उस नेता को पता थी, मेरे नीचे जो लोग हैं उनको भी नहीं पता थी। उसने खुद मुझसे कहा, जब हम वहां से पाकमोड़िया स्ट्रीट में मुसाफिर खाना जो 10 मिनट के रास्ते पे पहुंचे तो एसी चालू था, आधी सिगरेट पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई आदमी सोफे से उठ के गया है।
तो इतना फास्ट कैसे होगा? यानी बाद में जब मैंने और उस पर रिसर्च की तो पता कि दाऊद को एक पुलिस कांस्टेबल ने टेरिस पे ले जाके, आप लोगों ने डोंगरी देखा नहीं है, डोंगरी में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करके जा सकते हैं। सो वो कांस्टेबल ने दाऊद को रास्ता बताया। नाउ जैसे ही जब दाऊद वहां से गायब हुआ तो उन लोगों ने सारे एयरपोर्ट और सारी जगह जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेज दी कि दाऊद को पकड़ना है। दाऊद का पासपोर्ट राजा तांबट करके एक पुलिस इंस्पेक्टर के तिजोरी में रखा हुआ था, यानी उसके पास बाहर भागने का रास्ता भी नहीं था। अब दाऊद कैसे भागा? तो जिस आदमी ने मंत्रालय से उससे बात की थी उसी ने उसको रास्ता बताया कि तुम बाय रोड नेपाल चले जाओ और नेपाल से पासपोर्ट बना के फिर तुम चले जाना, और दाऊद इस तरह से गायब हो गया। तो ये सब कैसे होता है, किसको मालूम है, कौन कर सकता है? बस जो नेता है जो बता सकता है सब। तो हमको पता है किसने किया है, मतलब मैं उन नेता के नाम, उन लोगों के सारे नाम और सारी चीजें जानता हूं मैं, लेकिन वो चीज मैंने इसलिए लिखी नहीं कि वो चीज मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। यानी एक चीज देखिए जानना और बात होती है और उस चीज को एज एन एविडेंस लिखना और बात होती है। मैं चूंकि इस चीज को प्रूव नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैंने इस चीज को लिखा नहीं है, बट ये चीज मेरी जानकारी में है। आपका बहुत अभ्यास हो गया क्रिमिनल्स के माइंडसेट के बारे में ये सब अभी इतने साल में, तो अपने जो यंगस्टर्स है तो कभी कभी उनको भी बहुत वो ग्लैमर दिखता है, तो आप उनको क्या बताएंगे? मैंने अभी एक किताब लिखी है डर्टी डजन, उस किताब में मैंने सिर्फ 12 अंडरवर्ल्ड के हिटमैन की स्टोरीज लिखी है, और उसमें सिर्फ मैंने एक चीज पूरी किताब में सिर्फ एक चीज साबित करने की कोशिश की है कि अंडरवर्ल्ड के सारे गैंगस्टर्स डरपोक होते हैं, और कोई भी एक आदमी जो है शूरवीर टाइप का आदमी नहीं होता है कि अगर उसके हाथ में बंदूक ना हो तो बहुत बड़ा सुरमा बन जाए, ऐसा कोई नहीं होता। जब हाथ में बंदूक होती है तो उसके लिए अपनी बहादुरी दिखाना बहुत आसान होती है। तो वो किताब के जरिए मैंने सिर्फ इतना ही एम्फसाइज किया है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गैंगस्टर है तो बहुत बहादुर है, गोली चला देगा, मार देगा, आप हाथ से उसकी बंदूक छीन लीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यानी एक मैंने लास्ट में एक स्टोरी लिखी है, 2 मिनट खाली आपका समय लूंगा। एक उस जमाने गैंगस्टर था जिसका नाम था उमर धड़कन, धड़कन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शायरी करता था, तो धड़कन यानी दिल की धड़कन होती है ना, तो ऐसे शायरी करता था। 2 बार उसने उसको दिल हुआ कि मैं जाके किसी को शूट करूं बिजनेसमैन को और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन दोनों बार उससे वो बंदूक चली नहीं जब वो गया उस ज्वेलर के पास, बल्कि ज्वेलर ने एक डंडा उठा के उसके सर पे मार दिया और उमर पकड़ा गया। दोनों बार ऐसा हुआ। उसके बाद से उसको अंडरवर्ल्ड पुलिस में उमर धड़कन को उमर ढक्कन बोलने लगे, बिकॉज एक बंदूक की गोली ठीक से चला नहीं सकता वो। ऐसे ऐसे हिस्ट्री में है मुंबई पुलिस की। तो क्या ग्लैमर क्या है, मतलब पॉइंट ये कि कुछ नहीं, ये सब ऐसे डरपोक ऐसे बेवकूफ गैंगस्टर्स होते हैं जो एक बंदूक दिखा के हमको डराने की सोचते हैं। मला माहिती आहे लोकांचेही खूप प्रश्न असणार आहेत, आपण एक ते सेशन घेऊ, फक्त 2 प्रश्न त्याच्या आधी तुम्हाला विचारतो। तुमचे आता येणारा प्रोजेक्ट काय आहेत, 1-2 प्रोजेक्ट मगाशी उल्लेख झाला पण ते जरा लोकांनी आता उत्सुकता आहे की तुम्ही आता काय विषयावर, म्हणजे दाऊदला दाऊदचा मेंटर या विषयावर तुम्हाला का लिहावं असं वाटतंय आणि त्यात काय लिहिणार आहात तुम्ही? सी आम्ही सगळ्या लोकांना माहिती आहे की अर्जुन एक खूप मोठा हिरो होता महाभारतमध्ये, पण अर्जुनला ते ट्रेनिंग कोणी दिली द्रोणाचार्यांनी, तर द्रोणाचार्य कोण होते आम्ही लोकांना माहित आहे, द्रोणाचार्यचे बॅकग्राऊंड आणि त्यांचं होल लाईफ स्टोरी आम्हाला माहित आहे। दाऊद एक स्कूल ड्रॉपआउट आहे, ते क्लास 7वी कक्षापर्यंत त्यांनी काय एज्युकेशन घेतलं नाही आहे, त्यांना काय कॉमर्स, त्यांना काय बिझनेस, त्यांना काही माहीत नाही जगतमध्ये। तर कोणी त्यांना ट्रेन केलं की ह्या स्मगलिंगचा मोठा भाषा झाला, फोर्ब्सचा 50 मोस्ट पॉवरफुल लिस्टमध्ये झाला, त्यांना गोल्ड स्मगलिंगमध्ये हाजी मस्तान करीम लालाचा पण बाप झाला, असं घडलं कसं? तर मला एक खूप उत्सुकता होती, तर मी एक खालिद पहलवान म्हणून एक माणूस होता दुबईमध्ये, तो इकॉनॉमिक्सचा ग्रेज्युएट आहे भोपाळ युनिव्हर्सिटीमधनं, जो दैनिक भास्कर के लोग जानते हैं कि भोपाल में सैफी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में उसे पढ़ाई की है। उसने वहां से पढ़ाई करने के बाद जब बॉम्बे आया था तो वो फिल्म में काम करना चाहता था, उसको बॉलीवुड में काम करना था, लेकिन एक जगह बॉम्बे में जब झगड़ा हो रहा था तो उसने कुछ लोगों को मारपीट दी, पहलवान था वो, तो उसने 4-6 लोगों की बहुत पिटाई कर दी। वो कोने में एक 14 साल का बच्चा उसको देख रहा था, तो वो उसके पास चल के आया और उसने कहा खालिद भाई मुझे भी आपके जैसी लड़ाई करनी है। खालिद भाई को लगा कि भाई बॉम्बे में उसका भी कोई था नहीं, ये बच्चा उसको अपना लगा, ये दोनों की दोस्ती हो गई। इस खालिद पहलवान ने इस बच्चे को अंडरवर्ल्ड के सारे गुर सिखा दिए, लड़ने से लेके चाकू चलाने से लेके स्मगलिंग से लेके सब कुछ सिखा दिया। मैंने उस किताब में उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ता डेवलप हुआ बताया मैंने। एक बार उसने अपने को जख्मी कर लिया खालिद की जान बचाने के लिए, ऐसी कहानियां उस किताब में लिखी है मैंने। तो वो दोनों की जो बॉन्डिंग थी उसकी वजह से खालिद ने अपना सारा एक्सपीरियंस सारी नॉलेज सब उसको दे दी और दाऊद इस तरह से विश्व का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। फिर उसने
बाद में आगे जाके खालिद के साथ भी धोखा किया, उस किताब में लिखा है। यानी द पॉइंट जो उस किताब का ये है कि दाऊद ने किसी के साथ वफादारी नहीं की है, यानी चाहे उसका गुरु हो चाहे उसका दोस्त हो जो भी हो। ऐसे डोंगरी ते दुबई असो किंवा बाकीची पुस्तक असो, तर तुम्ही त्या त्या जागी जाऊन तिथे फिरून पण प्रत्यक्षात तो फील घेऊन, बार यूएई असो किंवा बाकी दुबई असो, तर एकदा तुमच्यावर किडनॅप व्हायची सुद्धा प्रसंग आला होता। जरा लोकांना निगडीत वाटतो, पण तो काय आहे तो जरा क्लिअर केला तर बरं होईल। वो अंडरवर्ल्ड रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है जो किडनैपिंग की बता रहे हो। सो एक्चुअली इराक हुआ ये था कि मुझे मेरे एडिटर ने इराक भेजा था, मैं कभी वॉर जोन में गया नहीं था। सो पहली बार इराक में वॉर जोन मेरा जाना हुआ। तो शुरू में इराक मैंने कुछ स्टोरीज की इराक से, सद्दाम के बाद की बात है ये। तो एक स्टोरी मैंने की सद्दाम के बॉडीगार्ड का इंटरव्यू करके कि कैसे रियल सद्दाम कभी बाहर आता ही नहीं था। सद्दाम के 6 डुप्लीकेट्स थे जो हमेशा बाहर आते थे। उसकी 27 पैलेस थी जिसमें उसके बेडरूम गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ था। तो ऐसी सब कहानी मैंने बॉम्बे मिडडे में लिखी थी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। एक स्टोरी मैंने की थी कि कैसे बगदाद में एक रेलवे लाइन पे एक गुरुद्वारा है जिसकी वजह से रेलवे लाइंस अलग अलग चलती हैं गुरुद्वारे के आदर में, तो लोगों को अच्छी लगी। इसके बाद मैं और कहानियां लिख नहीं पा रहा था, मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक काम की कि मैं पूछना शुरू किया कि यहाँ अंडरवर्ल्ड है क्या, यहाँ कौन है। सो वहाँ उस वक्त अरबिक मुझे ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन वहाँ कहते हैं, वहाँ चोर को हरामी कहते थे इराक के अंदर। तो मैंने पूछना शुरू किया कि यहाँ पे चोरों का जो सरदार होगा उसको शेखुल हरामी कहते हैं। तो मैंने सोचना पूछना शुरू किया शेखुल हरामी कौन है यहाँ पे। तो 2 दिन तक तो मुझे कोई मालूम नहीं पड़ा। तीसरे दिन मैंने किसी ने बंदूक रखी और कहा चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, उसने मेरी आंखें बंद की और मुझे ले गया। तो जब मैं एक जगह सुनसान जगह पहुंचा तो एक आदमी बैठा था जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो एकदम क्लीन शेवन था। इराकियों की दाढ़ी मुझे बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो मैंने उसको देख के हैरान रह गया कैसा आदमी है। तो पहले उसने पूछा तू पाकिस्तानी है, मैंने कहा नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो वो खुश हो गया सुन के कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर उसने मुझसे पूछा तुम अमिताभ बच्चन को जानते हो, मैंने कहा नहीं मैं अमिताभ पटेल को जानता हूँ। अमिताभ बच्चन कौन है? तो थोड़ा भड़क गया, बोले कैसे हिंदुस्तानी हो तुम अमिताभ बच्चन को नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता हूं भाई, अमिताभ पटेल तो है, बक्कन कोई नहीं है यार। अब उसका राज ये है कि आपको बता दें कि अरबिक में च और प नहीं होता, वो लोग जो है च और प नहीं बोल पाते हैं वो लोग। आपको पता होगा जो पेप्सी है वो अरबिक में पेप्सी नहीं है, अरबिक में बेबसी है वो। हम लोग बेबसी कुछ और बोलते हैं लेकिन वो अरबिक में बेबसी पेप्सी को बोलते हैं वो लोग। तो ऐसे ही अरबिक में च नहीं बोल पाते हैं वो लोग जो है क बोलते हैं ग बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं। तो जब बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया तो अंदर जाके एक फोटो लेके आया, वो फोटो जो था अमिताभ बच्चन का था। तब मुझे समझ में आ रहा ये क्या है। सो उस वक्त चूंकि मैं बहुत डरा हुआ था, 4-6 बंदूक वाले सामने खड़े थे, जान जा रही थी, मुझे लगा यहां मर जाऊंगा और मेरी बीवी को तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां मार के डाल दिया इन लोगों ने मुझे इराक में। तो बहुत घबराया हुआ था। तो अमिताभ बच्चन अपने देश का आदमी था, वो फोटो देख के खुश हो गया, हाँ अमिताभ बच्चन यस। मेरा रिएक्शन ऐसे ही था एकदम एक्साइटमेंट के साथ, हाँ अमिताभ बच्चन यस, इसको तो जानता हूं मैं। तो उसको लगा कि मैं ये कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन मेरा दोस्त है, तो वो सॉफ्ट हो गया। फिर उसने मुझे खूब खाना ना खिलाया, खूब बढ़िया शरबत वरबत पिलाया, बहुत अच्छे से पेश आया और बोला मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता हूँ और तुम्हें जाने दूंगा एक कंडीशन पे। मैंने कहा बताइए क्या बात है, मैं तो सब कुछ तैयार था, यानी अगर मुझसे कहता अपनी पूरी दौलत लिख दो तो वो भी लिख देता। तो उसने कहा मुझे एक करारनामा लिख के दो जिसमें ये कहोगे जब मैं बॉम्बे आऊंगा तब तुम मेरी मुलाकात अमिताभ बच्चन से कराओगे। मेरे लिए क्या मुश्किल था, खाली साइन कर रहा था ना, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको साइन करके उसको दे दिया, वो बहुत खुश हो गया। फिर जब उसने मेरा नंबर मांगा तो मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया, वो एक डिजिट गलत दिया था उसमें लेकिन नंबर भी दे दिया उसको। ग्रेट, अभी तो आपको बॉलीवुड से सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। नहीं मैंने लेकिन अमिताभ बच्चन से आके कहा कि बच्चन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। तो अमिताभ बच्चन ने बाद में अपने फेसबुक और ट्विटर पे लिखा भी था कि हाउ आई सेव्ड अ जर्नलिस्ट लाइफ इन इराक। तो उसके आज भी है उसमें, आप जो लोग जाके देख सकते हैं उसके अंदर कि उसकी वजह से मेरी जान बची। एक अजून प्रश्न है, त्याच्यानंतर आपण लोकांचे प्रश्न घेऊ की गँगस्टर्स आणि माफिया आणि टेररिस्ट जे आपला मुंबईच्या सगळ्या गुन्हेगारी विश्वाचा प्रवास झालेला आहे, तर या दोन मध्ये काय नेमकं तुम्हाला त्यांचा माइंडसेट म्हणा किंवा देश विघातक तर ते आहेतच टेररिस्ट, तो काही विषय नाही, पण त्याची जी लेवल आहे सगळा क्राईमच आहे तो, पण त्यातही जर का आपण 19-20 करायचं ठरवलं तर काय आपल्याला सांगता येईल त्यांची एक मर्यादा दोन्ही मध्ये फरक?
आई डोंट थिंक ये दोनों में कोई डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही क्रूर हैं, ये दोनों ही जो है खूंखार हैं, दोनों एक दूसरे का खून सबका खून बनाते हैं, और दोनों ही अपनी एक अजीब सी रैशनलाइजेशन बना के रखे हुए हैं। मतलब गैंगस्टर जो है वो पैसे के लिए मारता है, और टेरर जो है वो रिलीजन का नाम लेके मारता है। मतलब डिफरेंस क्या है उसके अंदर? और ये टेररिस्ट भी कोई धार्मिक आदमी है, कोई रिलीजियस आदमी होता नहीं है, ये सिर्फ एक रीजन हमको दिया जाता है पता नहीं। जैसे मैंने कहा कि छोटा राजन ने कहा कि मैं देशभक्त हूं और वो देशद्रोही है, तो टेररिस्ट बोलना चाहता है जिहाद और इस्लाम वो सब बोलना चाहता है, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब गलत बातें हैं सब। मेरे ख्याल से दोनों में कोई फर्क नहीं है। आत्तापर्यंतच्या आपल्या गप्पांमधून आणि त्यांच्या याच्यावरून त्यांचं कणखरता आपल्या लक्षात आली असेल, आणि आज त्यांना इंडियाज सगळ्यात ज्याला म्हणतो की नंबर वन क्राईम रायटर जे म्हणतात ते त्यांना ऑब्व्हियसली का बरं म्हणलं जातं हे आत्तापर्यंतच्या आपल्या गप्पांवरून आणि त्यांच्या प्रवासावरून आपल्याला कळलं असेल। तर आपण आता लोकांच्याही मनात बरेच प्रश्न असणार आहेत एवढं सगळं ऐकल्यावर आणि त्यांची पुस्तकं वाचल्यावर, तर आपण आता लोकांना ती संधी देऊ, लोगों के कुछ अगर क्वेश्चन आहे तो वो आपको। एक्चुअली ये जो उन्होंने बताया था उस फिल्म में सही है, बिकॉज क्राइम जब तक पुलिस का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक पुलिस वाले उनको सपोर्ट नहीं दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल दाऊद की इस केस में अगर इसको ऊपर से मंत्रालय से हेल्प ना होती और वो कांस्टेबल ने उसको हेल्प ना किया होता तो दाऊद कभी एस्केप ना कर पाता। तो मेन यही है कि जब तक पुलिस चाहेगी तब तक अंडरवर्ल्ड जो है स्ट्रांग रहेगी और तब तक अंडरवर्ल्ड चलेगी। तो ये रियल लाइफ में सही है, अगर आप देखें इसे बहुत से एविडेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलगी केस में जो कितने पुलिस वालों ने उसको बहुत राजा महाराजा जैसा ट्रीटमेंट दिया है, वो अपने कॉर्पोरेट फ्लैट में जाके खाना पीना खाता था और कांस्टेबल उसको चाय ला के देते थे और वहां दूसरे पुलिस अधिकारी बैठे रहते थे। तो ये बात अपने आप में एकदम सच है कि पुलिस की सपोर्ट होती है और वो गैंग्स चला सकते हैं अपने आप में। दाऊद इब्राहिम ने बुखारींच्या एक यंग इंडिया या पक्षामध्ये काम केलं होतं आणि मुंबईवर त्याचं प्रेम होतं, मग टायगर मेमनचा जो प्लॅन होता मुंबई बॉम्बस्फोटचा त्याला दाऊद इब्राहिमनं सपोर्ट का केला आणि दाऊद इब्राहिमनं त्याला सपोर्ट केला म्हणून तो जो बॉम्बस्फोटाचे जे साहित्य आहे ते उतरण्यासाठी कोकणामधले लोक तयार झाले होते, तर त्याला काय कारण आहे? आपने ब्लैक फ्राइडे नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे ब्लैक फ्राइडे के पहले चैप्टर में ही, हाँ ब्लैक पहले चैप्टर में ही कि दाऊद का जो माल है दुबई में जो स्मगलिंग कर रहा था वो पाकिस्तान के स्मगलर्स याकूब भट्टी और जो असलम भट्टी वो लोग लूट लेते थे, तो दाऊद बहुत लॉस में जा रहा था। तो आईएसआई वालों ने दाऊद को कहा कि हम तुमको स्मगलर से, पाकिस्तानी स्मगलर से प्रोटेक्शन देंगे अगर तुम हमको इसमें हेल्प करो। सो दाऊद को अपनी उस माल की, उस स्मगलिंग के माल के हेल्प के लिए आईएसआई की इस बात को मानना पड़ी, और उसको ऐसा था कि मैं खाली अपने लैंडिंग स्पॉट दे रहा हूं, यानी उसका ऐसा मानना कि मैंने उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में हाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है बट मैंने खाली अपना लैंडिंग स्पॉट दिया उनको यूज करने के लिए। तो दाऊद ने उस प्रेशर आईएसआई की उस ब्लैकमेल की वजह से उनको हेल्प किया उसने। जी भाई, भाई। तो अभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड या हम गैंगस्टर कह सकते उनकी मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार के है, या वो रियल एस्टेट में है या पॉलिटिशियन से है या बॉलीवुड से रिलेटेड है, मोडस ऑपरेंडी अभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की क्या हो सकती है? देखिए वो लोग अब थोड़े से अपने आप को लेजिटिमाइज करने लगे हैं। अब पहले अगर ऐसा था कि किसी की शादी हो रही है या किसी का बिजनेस हो रहा है तो फोन करके उससे वो लोग वसूली करते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। बॉम्बे में आपको पता होगा एक स्कीम चलती है स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, तो अगर किसी के 200 झोपड़े हैं और या 200 या 400 झोपड़े को डेवलप करके बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डर को फोन आके बोलता है कि मेरी तरफ से 20 झोपड़े ऐड कर लो, और वो बिल्डर को वो 20 झोपड़े उस अंडरवर्ल्ड के आदमी के नाम लिखना पड़ते हैं। तो यानी 400 झोपड़े की जगह वो 420 फ्लैट डेवलप करता है और वो 20 फ्लैट जो है उस अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी के नाम उसको करना पड़ते हैं। तो उनका तरीका ऐसा हो गया। बॉलीवुड में पहले ऐसा है कि प्रोड्यूसर को फोन करके धमकी देते थे और अगर वो दुबई जा रहा है तो उससे वसूली करते थे। आज की तारीख में वो लोग उससे एक पर्टिकुलर टेरिटरी मांग लेते हैं, हमको यूरोप का एक सेक्शन दे दो, अब तो चाइना में चलने लगी है, रशिया में हमें टेरिटरी दे दो, तो एक छोटी टेरिटरी जो कहने को छोटी होगी लेकिन करोड़ों का बिजनेस करती है वो टेरिटरी वो लोग ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो उनको उसके हवाले करना पड़ती है, क्योंकि दाऊद तो आज भी काम करता है, शकील तो आज भी है, आईबी तो उनके फोन आज भी सुनी रही है। ये अलग बात है कि सालिम जेल में होगा, लेकिन गैंगस्टर्स अपना काम आज भी करते हैं और वो चल रहा है, लेकिन उतना ओपनली नहीं चल रहा है, अदरवाइज आज भी एक्टिव है वो लोग।
सर आपण खूप बोललो पण मला क्युरियोसिटी ही आहे की तुम्ही इतक्या गँगस्टर्स बद्दल आपण तुम्ही रिसर्च केला अभ्यास केलाय त्यांच्या फॅमिली बद्दल काय असतं? कोणालाच वाटत नाही की आपल्या घरातून एखादा गँगस्टर यावा आणि तो गँगस्टर झाल्यानंतर फॅमिलीचं सफर होतात आणि मग ते सगळं, तर त्याविषयी थोडं सांगा ना की त्या रिसर्च मध्ये कोणी फॅमिली सफर नाही करत आहे. गँगस्टरची फॅमिली खूप मजेत राहत आहे. ते लोकांचे खूप पैसे आहे आणि खूप त्यांचा रिस्पेक्ट आहे. ते लोक त्यांना घाबरतात. हे भाईची फॅमिली आहे तर कोणा काही त्रास नाही आहे गँगस्टरच्या फॅमिलीला. आय मीन एक्झाम्पल हसीना प्रकार गॉर्डन फ्लॅश मध्ये तो महाराणी सारखी राहत होती. मी त्यांना भेटायला गेलोय. मला माहित आहे की तिकडे लोक घाबरतात. हसीना आपा हसीना आपा म्हणून त्यांचे जे बोलतात ते लोक. तर कोणाने त्रास नाही आहे गँगस्टर फॅमिलीला. हा तर एकदम छोटे मोठे माणूस असणार ते तर होऊ शकता. हा मॅडम बोला. जैदी साहब इधर जी. हेडली एंड आय के दौरान जी जो की हेडली और राहुल के मद्देनजर लिखी गई है जी, क्या आपको मलाल है कि आप हेडली से बात नहीं कर सके या उसका इंटरव्यू नहीं कर सके? या पॉसिबल था कभी? जी हेडली जब उनकी एफबीआई की कस्टडी में था तब तो हमारे एनआईए वाले बात नहीं कर पाए. यानी जब उससे मिलने गए हैं तो उनको पूरे कंडीशंस के साथ और रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलने दिया गया है. और सात बड़े लोग यानी एनआईए के एक आईजी रैंक ऑफिसर, एक डीआईजी और छह इंस्पेक्टर और एक हमारा प्रोसिक्यूटर, यहां से इतनी बड़ी टीम में से तीन लोग जाते थे और तीन लोगों को सिर्फ 30 घंटा यानी लिमिटेड 30 आवर्स का इंटरोगेशन दिया गया है. तो अब जब वो हमारे इतने बड़े लोग नहीं मिल सके तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं उसके बारे में. लेकिन मैंने उसका जो पूरा स्टेटमेंट था जो उसने एनआईए को दिया था वो वर्ड टू वर्ड मैंने हासिल किया था और वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा है उसका. एक एडजेक्टिव अगर आप हेडली को देना चाहेंगे तो कौन सा रहेगा? आई थिंक ही वॉज अ वेरी कनिंग बिजनेसमैन. थैंक यू जी. थैंक यू. सर जी नमस्कार. मैं आपको काफी देर से सुन रही हूँ. हम सभी सुन रहे हैं जी. आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये पेशे में काफी डर भी है, टेंशन भी है. तो ऐसे मन में आया है कि अगर आप क्राइम राइटर ना होते तो क्या होते? आपका सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया है क्योंकि मैंने आज तक कभी सोचा नहीं है ऐसा. देखिए वो होता ये है कि डर और टेंशन जो है वो मेरे ख्याल से हर पेशे में, एक ड्राइवर भी हाईवे पे चलाता है सोचता है कभी मर जाऊंगा मैं. सो ऐसा मुझे लगता है हर पेशे में है. लेकिन मैंने कभी गहराई से सोचा नहीं. मैंने कहा ना कि जब मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई थी और जब उन्होंने कहा था कि तुम क्राइम जर्नलिस्ट बन जाओ तब मैंने उस वक्त सोचा नहीं था कि मैं क्या बनूंगा. उस वक्त तो सिर्फ रोटी कमाना थी. मतलब उस वक्त 1995 में एक आदमी को लग रहा था कि 20,000 रुपए की एक अच्छी और एक हलाल तनख्वाह मिल जाए आदमी के लिए वो काफी है. मैंने नहीं सोचा था मैं किताबें लिखूंगा. मैंने नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा. मुझे नहीं पता कि मैं आज आपके सामने बैठ के बात करूंगा. ये तो 20-22 साल के बाद जो हो गया सो हो गया. अब वो हो गया है तो उसको खूबसूरती से निभाया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है. जैसे शादी जब हो जाती है तो आप उस चीज को इम्प्रूव करते हैं. अब उसी पेशे को अब इम्प्रूव किया जा रहा है. बस ये हो रहा है जी. हेलो सर जी. ये अंडर टेररिस्ट के ये बहुत देर से बोलना जा रही है, बोल नहीं पा रही है वो जी. जी जी. हाँ हाँ. ते क्राइम रिपोर्टर खूब दबंग होते. आता हे लोक पोलीस चे स्टेनोग्राफर झाले. आई एम सॉरी टू से दिस बट देयर इज अ डिफरेंस. क्राइम जर्नलिज्म वैसे रह नहीं गया. नहीं अब वो लोग मैं ऐसे ऐसे लोगों जानता हूं जो पहले बहुत बहादुर थे लेकिन अब पुलिस वालों ने कुछ रिपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेकर के, कुछ लोगों को धमकी दे करके, कुछ लोगों को बता के हम तुमको तुम्हारे सारे जो कनेक्शंस हैं वो ओपन कर देंगे, उनको ऐसा डरा दिया है कि अब क्राइम रिपोर्टर जाके दरबार जैसा पेश आते हैं. पूरे 10 लोग जाके बैठेंगे जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस में 5 बजे. वो जो लिखाएंगे वो लिख लेंगे, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे, आके लिख देंगे. ये पहले नहीं होता था. पहले अगर किसी ने कुछ बोला है किसी भी अधिकारी ने उसको आके क्रॉस चेक करते थे और ये लिख देते थे कि ये झूठ बोल रहा है, इसने जो बोला ये पूर्णतः सत्य नहीं था. तो अब ऐसा कोई नहीं बोलता. अब तो जो बोल दिया तो हो सकता है जो गीता में लिखा है वो गलत है लेकिन इसकी बात गलत नहीं है. अब ऐसा हो गया है सर जी. सर इधर बट क्राइम रिपोर्टर्स प्लीज फॉरगिव मी. मैं कोई ऑफेंस नहीं चाह रहा हूं. मैं खुद क्राइम रिपोर्टर था लेकिन मैं उसकी और आज की जो कंपैरिजन ने की वो बता रहा हूं मैं.
सर आपने कहा कि सोर्सेस से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। में एक रूल ऐसा होता है कि जब तक आप दोस्ती नहीं करते हो कुछ ऐसी बात ही होती है जो सामने आ ही नहीं सकती जी। क्योंकि दोस्त अगर मैंने आपसे दोस्ती की तो कुछ दिनों के बाद आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताने लगते हो कि जो आपने किसी से बताई नहीं है। एक तरफ ऐसे कहते हो दूसरी तरफ ऐसे कहते हो, लेकिन आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो किसी को नहीं मिली, तो आपने सोर्स कैसे डेवलप किए? देखिए दोस्ती मैंने आपसे बताया है, दोस्ती का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे घर में अगर कोई कार्यक्रम है, जैसे अगर मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी हो रही है, मैं उसको इन्वाइट नहीं करूंगा। और ऐसे अगर उसके घर में शादी हो रही है, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने लाइफ में एक सीधी सी वो चीज़ बनाई है कि कभी भी पुलिस वाले की चाय और अंडरवर्ल्ड का नमक यानी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप उनके रीडिंग हो जाते हैं। पुलिस वाले आपको चाय पिला के कुछ भी लिखवा देते हैं, इन्हें बॉम्बे में दारू पिला के लिखवाते हैं, लेकिन चूंकि मैं दारू नहीं पीता तो इसलिए आप उनके कभी भी जो है बाकीदार ना हो जाएं। और ऐसे अगर आपने किसी अंडरवर्ल्ड के साथ बिरयानी खा ली तो वो आप पे एक हक समझने लगता है अपना। नाउ दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप बहुत करीबी दोस्त हो गए, अगर वो अस्पताल में एडमिट है तो देखने जा रहे हैं, वो आपके यहाँ देखने आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन अगर आप किसी से मिले हैं और आपने उससे बात की है और आपने उसका ट्रस्ट कभी तोड़ा नहीं है, तो उसके दोस्त बने बगैर भी आप उसका एक्वेंटेंस रह सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, हम बहुत से लोगों को जानते हैं, ऑफिस में हमारे एक्वेंटेंस हैं, हमारी दोस्ती नहीं है, हम साथ में खाते पीते नहीं है, उठते बैठते नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं और वो हम पे भरोसा करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। सो आपको सिर्फ उतना ही करना है, आपको उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं बनाने हैं, मेरा सिर्फ उतना कहना है। सर आपने जो इंसिडेंट बताया पेजर से लेके पीसीओ तक जी, तो आपने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन ऐसा सुना है कि आपको दाऊद ने बहुत घुमाया उस एरिया। हाँ, हाँ, हाँ। और वो उसको पता चल रहा था कि आप कहाँ कहाँ से जा रहे हो, मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए। हाँ, मुझे ये था कि मैं पब्लिक को ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो मतलब इसलिए मैं सोचा संक्षेप में जितना बता दूं, जैसे मैं इराक की स्टोरी भी मैंने बहुत छोटी सी बताई है, तो आप मिलेगा बता दूंगा, लेकिन ये लिखा है मैंने डोंगरी तुम्हें भी लिख चुका हूँ मैं कहानी जी। सर आपने कहा कि क्राइम, सर इधर इधर जी इधर, हाँ। क्राइम स्टोरी देखने में और पढ़ने में लोगों को काफी रुचि है जी। तो ये क्यों है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता मतलब ये क्या बात है और लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जिस जमाने में मैंने क्राइम जर्नलिज्म शुरू की थी उस जमाने में मैंने मजबूरी से शुरू की थी, क्योंकि एशियन एज में काम करने के बाद जब मैं इंडियन एक्सप्रेस गया था इंटरव्यू के लिए, तो जो मेरे एडिटर मेरे बताए साई सुरेश शिवस्वामी, उन्होंने मुझसे जो कहा था वो ये कहा कि तेको पता है हुसैन, बॉम्बे में सब क्रिमिनल मुस्लिम है और तू भी मुस्लिम है, इसलिए तू खाली क्राइम रिपोर्टिंग कर सकता है। मेरे लिए मजबूरी थी वो, मतलब या ये कर या मत कर, डू और डाई। तो मैंने वो रुचि इंटरेस्ट सोचा ही नहीं था, मजबूरी से पेशा कर लिया मैंने। अब जब वो पेशा करने लगा तो जैसा कि मैंने कहा, आप जब कोई चीज करते हैं तो उसको अब इम्प्रूव करते रहना चाहिए आपको, तो मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करने लगा। ये बहुत बाद में मुझे पता चला कि लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट हैं, क्राइम जर्नलिज्म पेज वन पे आती है, आज सब कुछ क्राइम में ही होता है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स की बेटिंग हो, चाहे बिजनेस हो, सबका इंटरसेक्शन क्राइम है। ये बहुत बाद में समझ में आया मुझे, उस वक्त तो मैं बहुत भोला वाला आदमी था जी। लास्ट लास्ट क्वेश्चन घेऊ आणि मग थांबू, वेळेची आपल्याला मर्यादा आहे, त्याच्यामुळे एक लास्ट क्वेश्चन घेऊ। आतापर्यंत जेवढे क्राईम वरचे सिनेमे आम्ही पाहिले गँगस्टर्स वरचे, त्याच्यामध्ये महिलांच्या भूमिका बऱ्याच ग्रे शेड्स दाखवलेल्या आहेत, तसं प्रत्यक्षात असतं का? म्हणजे हिरोईन्स ज्या आता अबू सालेम बरोबर काही अभिनेत्री होत्या किंवा मोनिका बेदी, तर त्यांची भूमिका कशी असते, त्यांची मानसिकता कशी असते? कारण कुणाला तर असं वाटत नसेल आपण नाही, महिलांची भूमिका क्राईम मध्ये एकदम मेन भूमिका असतात म्हणजे अगर महिला ना हो तो ये लोग बड़े क्रिमिनल नहीं बन सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अबू सालिम यानी मोनिका बेदी ने उसको बड़ा बना दिया, वो बड़ा उसकी वजह से बन गया। यानी आप सपना दीदी पढ़िए या जो मैंने माफिया को लिखी है, उसमें महिला जो है अगर वो ना होती, उनकी स्मार्टनेस ना होती, तो ये सारे क्रिमिनल बड़े नहीं हो सकते थे। यानी आप छोटा सा एग्जाम्पल है सुनील सावंत, जिसको दाऊद की किलिंग मशीन कहा जाता है। सुनील सावंत की एक गर्लफ्रेंड थी उनिता प्रजापति, अगर उनिता प्रजापति उसको उतना ज्यादा एनकरेज ना करती तो शायद सुनील सावंत कभी किलिंग मशीन ना बन पाता था। तो मेरा कहना यह है कि औरतें क्राइम में मर्दों की स्पाइन होती हैं। जी जी सर, वो एक पॉलिटिकल किताब है और किसी और की लिखी किताब से मेरा मत पूछिए आप, वो अच्छी बात है। जो और कोई मेरी किताब के बारे बोलेगा बहुत अच्छी नहीं है, बेकार है, मैं किसी की किताब कैसे बोल सकता हूँ? हाँ मैंने पढ़े जी।
करकरे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उनके मरने के बाद मैं एक हफ्ते तक बहुत दुखी था मैं और कई बार रोया भी हूँ मैं। उसका असर ये हुआ था कि मैंने करकरे से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी किताबें थी मैंने पढ़ना बंद कर दी। जब भी उनको याद करता था मैं बहुत भावुक हो जाता था। इसलिए जब ये किताब आई थी तब मुझे उस पर पढ़ने का साहस नहीं था, क्योंकि अगर मैं पढ़ लेता कि हु किल्ड करकरे तो पता नहीं शायद मेरे साथ क्या होता, तो मैं उस किताब को पढ़ नहीं पाया। मेरी प्रॉब्लम, अगर मैं उसको पढ़ नहीं पाया तो मैं इसके बारे में आपको अपनी सही टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा। मैं आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। खूप प्रामाणिकपणे त्यांनी आता गेल्या एक सव्वा तासापासून आपल्याला उत्तरं दिलेली आहेत सगळ्यांना प्रश्नांची, म्हणजे एवढं प्रामाणिकपणे त्यांनी जे दिलेली आहेत उत्तरं। आणि दुसरी गोष्ट त्यांचं एकंदरीत रिसर्च आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या त्यांच्या पत्नी त्या प्रत्येक याच्यात, तर एकदा या दोघांसाठी टाळ्या होऊन जायला पाहिजे असं मला वाटतंय। थँक्यू व्हेरी मच। त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे वेगवेगळे पैलू आपण अनुभवले, ते जेवढे कणखर आहेत तेवढेच सेन्सिटिव्ह पण किती आहेत तेही आपण अनुभवलं। तर मला वाटतं आपण या समेवर शेवट करायला हरकत नाही इंटरव्ह्यूचा। खूप खूप धन्यवाद। तुम्ही आला, प्यार आपकी मोहब्बत आपकी अपनेपन के लिए बहुत दिल से सराहनीय हूं। आपने मेरा, मुझे पता नहीं था कि मराठी लिट फेस्ट में आना इतनी अच्छी बात होती। जब उन्होंने मुझे बुलाया तब मैं थोड़ा सा ये था बिकॉज मैं इंग्लिश लिट फेस्ट में जाते रहा हूं, मराठी लिट फेस्ट मेरा पहली बार आना हुआ है और आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मेरे पास शब्द नहीं है ये अपने अपनी खुशी को जाहिर करने की कि आपका प्यार आपका स्नेह जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत एनकरेजिंग लगा है। मैं जिंदगी में अगर मुझे मौका मिला आप सब मिलते रहना चाहूँगा घड़ी घड़ी इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभिजीत सरानी मटल एक रिक्वेस्ट है सर आप ही बुला तो अच्छा है। ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड। सब लोगों को अभी आपको भी सुनने की या देखने की उत्सुकता है। सवाल क्या आपका? मृण्मय रानडे मॅडम ना वर बोलवतो, मॅडमचं स्वागत आपण करावं। इन्होने मुझे क्राइम रिपोर्टर बनाया है, मैं अच्छा आदमी था। और अच्छा बनाया, अच्छा आदमी था और अच्छा बनाया। मिसेस मतलब मैं सीधा साधा था, इन्होंने टेढ़ा कर दिया। तो प्लीज फाइन है आपकी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए बोलिए। बाहर बाहर या ना इकडे। यानंतर नेक्स्ट स्टेशन बाहेर ओपन ग्राउंडला आहे 7 वाजता। धन्यवाद आपण इथे आलात त्याबद्दल।